नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। ये महीना 3 अगस्त तक रहेगा। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्त पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते सावन के शुभारंभ के दिन कई शहरों में भगवान शिव के मंदिर सूने पड़े नजर आए, तो कहीं भगवान भोले की नगरी वाराणसी से लेकर उज्जैन में महाकाल और दिल्ली के मंदिरों में भी भक्त सुबह सुबह भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंचे। पंजाब में सावन महीने के पहले सोमवार को अमृतसर के शिवाला भैयन मंदिर में सुबह सुबह भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज कोविड-19 के बाद शिवाला खुला है, चारों द्वार खोल दिए हैं और भगत आए हुए हैं, लेकिन बड़ा डिसिप्लिन रखा हुआ है। पिंडी को उन्होंने कहा है कि स्पर्श नहीं करना, सारी दीवारों पे लिखा हुआ है, किसी भी मूर्ति को टच नहीं करना और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हुआ है। राउंड बनाए हुए हैं, बाहर सैनिटाइजर की बॉटल्स रखी हुई हैं। वहाँ से लोगों को कहा है कि अपने हैंड साफ करो और फिर जाके, जैसे आपने देखा है कि जल भी पिंडी पे ऐसे व्यवस्था की हुई है उन्होंने पाइप की, जहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं और सीधा बाबा जी के पिंडी पर पड़ता है। और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है और लोगों को समझाया गया कि आपस में टच में भी ना आए, प्रसाद भी वितरण नहीं हो रहा, बड़ा ध्यान से और बड़ा स्वच्छ साफ सफाई से ये सारा काम हो रहा है। चलिए अब आपको हरियाणा की तस्वीर दिखाते हैं। पहले सोमवार को पंचकुला में साकेत शिव मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शिव मंदिरों के बाहर कोरोना संकट में भी भीड़ देखने को मिली, लेकिन नजारा बाकी सावन से जरा अलग है। कोरोना वायरस के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मुंह में मास्क लगाकर भोले को मनाने के लिए मंदिर पहुंचे। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इन सब के बीच झारखंड से भी एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने मंदिरों को बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन भक्त फिर भी मंदिर पहुंचे और बाहर से ही बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन के लिए लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस बार सावन महीने की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत और अंत दोनों ही दिन सोमवार है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसकी हर मनोकामना भोले शंकर जरूर पूरी करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।